राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में दूजा नागरिक अलंकरण जलसा में पद्म पुरस्कार करेला प्रदान। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की दुबई यात्रा रो आज आखिरी दिन दुबई स्टूडियो सिटी रा दौरा समेत कई कार्यक्रम में करेला शिरकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोबनेर में हाईटेक एग्री एक्सपो रो कर्या उद्घाटन। कयो सरकार प्रदेश रा कास्तगारा ने कल्याण खातर कृत संकल्पित। राजस्थान तर्पणा दिवस रा मौका माथे राख्या जा रही साप्ताहिक कार्यक्रम री श्रृंखला में काले नई दिल्ली में राख्यो गयो फागोत्सव। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी। मौसम महकमा रे सारू उतरादा और आंतुना राजस्थान रा ज्यादातर जिला में तापमान चाल रो है सामान्य शून्य डिग्री पर। नमस्कार, सुंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप घणो घणो स्वागत। मैं हूँ अशोक व्यास, सौरभ खबर विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में दूजा नागरिक अलंकरण जलसा में पद्म पुरस्कार देवेला। राष्ट्रपति 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 53 पद्मश्री पुरस्कार देला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। राष्ट्रपति आज 2 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 53 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। इससे पहले 21 मार्च को आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए थे। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं की सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की दुबई यात्रा रो आज आखिरी दिन है। वहां आज दुबई स्टूडियो सिटी रो दौरो करेला। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की दुबई यात्रा का आज अंतिम दिन है। अनुराग ठाकुर आज दुबई कॉरपोरेशन फॉर टूरिज्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग के सीईओ इस्सम काजिम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दुबई स्टूडियो सिटी का दौरा कर वहां के प्रबंध निदेशक माजिद अल सुवेदी और मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जुड़ी कुछ प्रमुख हस्तियों से भी मिलेंगे। इसके बाद अनुराग ठाकुर दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन जाएंगे, जहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया और मनोरंजन पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इंडिया पवेलियन में अनुराग ठाकुर सेलिब्रेटिंग द ग्लोबल रीच ऑफ द इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नामक सत्र में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के साथ संवाद भी करेंगे। कांग्रेस विधायक रा बेटा और उनारा दोस्त के खिलाफ एक किशोरी साथ गैंगरेप रा आरोप रो मामलो विधानसभा में उठायो गयो। इन बारा में भाजपा रा विधायक रामलाल शर्मा कहो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट वेगी है। वहां कहो कि लगातार दुष्कर्म रा मामला में बढ़ोतरी वेरी है और विधायक ने अपरा आरोपित बेटारी जांच खातर जांच एजेंसियों सामनो करनो चाहिए। बठई सत्ताधारी पार्टी रा मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास कहो कि राज्य सरकार की नीति है कि किने भी दोषी ने नहीं छोड़ो जावेलो। उन्होंने कहो कि मामला में दोषा ने सजा दी जावे। नंबर 1 पे पहुंचा है और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो राजस्थान को बचाने वाला कौन है। मंत्री जी का स्टेटमेंट मैंने भी सुना है, सरकार का स्टेटमेंट सुना है और विधायक जी का स्टेटमेंट ये कि मेरा बेटा निर्दोष है, तो निर्दोष साबित करने का काम या दोषी साबित करने का काम कानून करेगा। आपके कहने से कोई दोषी और आपके नहीं कहने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। इसलिए तत्काल विधायक जी को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कानूनी प्रक्रिया के अंदर अपने बेटे को जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके सामने पेश करना चाहिए और एक न्यायिक प्रक्रिया है उसका सामना करना चाहिए। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारी नीति है FIR दर्ज करने की, तभी तो FIR में नाम आया है। आप मुझे ये बता दो, यदि हम नहीं चाहते या यदि पॉलिटिकली प्रेशर होता
तो क्या एफआईआर में नाम आ जाता क्या? वहीं पे नाम रोक देते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोबनेर में प्रसार शिक्षा निदेशालय और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर कानीसू राखेड़ा हाईटेक एग्री एक्सपो रो उद्घाटन कराया। इन मौके कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर जीत सिंह संधू समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहो कि सरकार प्रदेश रा कास्तकारा रा कल्याण खातर कृत संकल्पित है। उन्हें कहो कि सरकार पहली बार कृषि खातर अलग बजट ले रही है। ईसु कास्तकारा री आय माय बढ़ोतरी व्यापार साथ ही उन्हें समस्याओं रो भी पेगो समाधान वेलो। क्योंकि सरकार ने सोच क्या है किसानों के लिए, किसानों की बात तो सब करते हैं पर किसानों के लिए करना एक बात है, बात करना दूसरी बात है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है और आप देख रहे कृषि बजट अलग लाए हैं। कोई 79,000 करोड़ का अलग रखा उसमें धनराशि रखी है, कॉपरेटिव सब मिला मिलो करके। और खाली अगर आप देखें कि 18-19 में जो बजट था 30,000 करोड़ का, उसका डबल करीब 46,000 करोड़ हमने अभी खर्च करने का तय किया है खाली कृषि के लिए। आप सोच सकते हैं कि जब एक बार शुरुआत हुई है तो उसमें कुछ कमी भी नहीं होगी, तो धीरे धीरे अब आप लोगों के अधिकार मिल गया है। राजस्थान थर्पण दिवस उपलक्ष्य में राख्या जा रहा साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में काल नवी दिल्ली रा बीकानेर हाउस में राजस्थान सांस्कृतिक संध्या जलसारा दौरान फागोत्सव रो आयोजन करो गयो। जलसारा खास पाहुणा राजस्थान रा शिक्षा मंत्री बीडी कल्लारिया। कल्ला कहो कि राजस्थान भांत भांतरी कलावासू सराबोर है और अठे पर्यटन की घनी संभावनाओ है। इन अलावा कठपुतली कार्यशाला रो भी आयोजन करो गयो। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कहो कि राज्य सरकारी नीतियों के कारण शिक्षा रो बेड़ो गर्क हो चुको है। शिखर दौरा माथे आया केंद्रीय मंत्री राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संगठन रा जलसा में शिरकत करी। उन्होंने कहो कि राज्य सरकार नवा कॉलेज खोलबारी लगातार घोषणा कर रही है पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पा रही। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसानों के लिए कटिबद्ध है, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है और उसी लिए कृषि का बजट बढ़ाया गया है। 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है और किसान प्रोसेसिंग करे, खुद मार्केटिंग तक सब अपने फसल को बेचे, इस दृष्टि से नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े इस दिशा में काम कर रही है और निश्चित रूप से हम किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं जिससे कि किसान आत्मनिर्भर बने। और रही बात कुछ किसान यूनियन के नेता जिस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है क्योंकि हमारी सरकार है किसानों के लिए कटिबद्ध है और किसानों के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कानीसू काल जयपुर रा जवाहर सर्किल माते होली स्नेह मिलन जलसारो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय चित्रा माथे द्वीप प्रज्वलन साथ करी। राज्य में विद्युत उत्पादन निगम री तकनीकी कारणसू बंद 6 इकाया में से 3 इकाया में उत्पादन शुरू हो गयो है। ऊर्जा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुभाद अग्रवाल बतायो कि कोयलारी 23 रैंक हासिल भी है। NTPC री दादरा इकाई सू 179 मेगावाट बिजली री आपूर्ति होवन लगी है। वना तीनों डिस्कॉम रा एहलकारा ने परीक्षा और खेती री जरूरत से सारू बिजली आपूर्ति री व्यवस्था सुचारू बनाया राखवा रा निर्देश भी दीना। प्रदेश में बीत्या 24 घंटा ने दौरान कोरोना रा 48 नवा मामला सामने आया है। राहत री बात आ है कि आज जयपुर में कोरोना रा केवल 2 मामला ही सामने आया। चिकित्सा महकमों कोरोना रा संक्रमण में लगातार हो रही कमी सू राहत री सांस लेनी है। हनुमानगढ़ रा
खुशहाल दास विश्वविद्यालय कानेसू काल 7 दिवसीय अंतरराज्य कृषि मेला रो आयोजन कर मेला में नूई गेहूरी 32 किस्म और सरसूरी 18 किस्म काश्तकार अवलोकन कर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीएस तोमर विद्यार्थियों और मेला में आया काश्तकार ने व्याख्यान रे जरिए नूई कृषि तकनीक और उन्नत किस्म की जानकारी दी। कृषि अंतर्राज्यीय मेले का आयोजन श्री कुशालदास विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से विशेषज्ञों को बुला करके विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके विषय में चर्चा हुई। और विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ की बात यह है कि जो हमारे कृषि के स्नातक विद्यार्थी हैं, उनको एक नई जानकारी इसके माध्यम से मिली है और उनके लिए ये उपयोगी होगी। मैंने आज कृषि मेले में पार्ट लिया है, जिसमें मैंने 32 उन्नत किस्में वीट की इसके बारे में बताया है, जिससे किसानों के उत्पादन में बहुत लाभ होगा, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। आप यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे हमने वीट की 32 उन्नत किस्में उगाई गई हैं, जिससे किसानों की वीट की पैदावार क्षमता बढ़ेगी। आज मैंने सप्तक वर्षीय कृषि मेले में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मैंने मस्टर्ड क्रॉप पर एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि किसान कैसे सरसों की उच्च किस्मों का उपयोग करके अपने जो उत्पादन है उसे बढ़ा सकते। खबरें और भी है, पर पहले एक छोटा सा विराम। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम रख पछे खबरा में एक फेरू आप सब रो स्वागत। अब रुक करा अगली खबर रो। अजमेर जिला में एग्रो टूरिज्म लोगा और खास तौर सू शोधार्थियों खातर खास आकर्षण रो केंद्र बनतो जा रियो है। कैंसर और मधुमेह जेड़ा रोगा माथे एग्रो टूरिज्म ने लेर शोध करो जा रियो है। कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा माए इन खेतर ने लेर लोगा माए रुचि बढ़ी है। एक 16 बरस री टाबरी पायल शर्मा काश्तकारा रे साथ आम लोगा ने भी खान पान और रहन सहन माए शुद्धता रे साथ स्वदेशी अपनावा सारू लोगा ने प्रेरित कर रही है। जयपुरा जवाहर कला केंद्र माए राजीविका कानेसू राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला रो आयोजन करो जा रही है, जिन माए स्वयं सहायता समूह री महिलावा कानेसू बनाया गया उत्पादा री बिक्री करी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में लगे राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखे गए हैं। राजीविका की ओर से आयोजित इस मेले में महिला आर्टिजन के अनोखे और मनमोहक उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। मेले में जहां मिट्टी के दिए, लाख के कंगन और अन्य उत्पाद को सजीव बनाकर पेश किया जा रहा है, वहीं ब्लू पोटरी और पेंटिंग्स और हैंडमेड पेपर की कारीगरी भी आकर्षण का केंद्र है। मैं हमारे यहाँ गांव में हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट का काम होता है, जहाँ पे 30 से 35 महिलाएं वर्क करती हैं और जैसे काफ़ी तरीके के आइटम बनते हैं हैंडमेड में। डायरी हो गए, नोट पैड हो गए, स्लिप पैड हो गए और भी कैरी बैग हो गए, गिफ्ट आइटम जैसे बच्चों की डायरी हो गए, इस तरीके से आइटम बने। ये श्वेता कलर है और इन शादी मूर्ता ने कितिरिया गूंद और थोड़ा बुरादा और मैदा रांध के और बिकी पतली पतली लसाई कर इपर चटाता है, फिर भट्टी में पकती है, फिर ये वैसे चमक देती है। मेले में ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए ATM वैन भी उपलब्ध है। वहीं ग्राहकों के लिए विभिन्न तरह के हैंडीक्राफ्ट उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद और अन्य सजावटी सामान भी उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रहे हैं। स्पेशली हैंडमेड सोप्स और कुछ सेरेमिक प्रोडक्ट्स, मैं उसी को देख के वी वर अट्रैक्टेड एंड वी वर लाइक कि आ जाए यहाँ, और सच में बहुत अच्छा कलेक्शन है, सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। इस बार थोड़ी भीड़ कम है, बट ओवरऑल कलेक्शन बहुत अच्छा है।
राजीविका की ओर से आयोजित इस क्राफ्ट मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक मंच उपलब्ध करवाया गया है, जिससे वो अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता को बेच सकें और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ कर सकें। ये राजीविका मेला हम प्रतिवर्ष लगाते हैं और इसमें पूरे भारतवर्ष से स्टॉल आई भी हैं। इसमें टोटल 165 स्टॉल है, जिसमें 20 स्टॉल फूड कोर्ट में है, 145 स्टॉल डिफरेंट आइटम्स हैं। ये सारी स्टॉल्स जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में काम कर रही है उन्हीं महिलाओं की है, एक्सक्लूसिवली उनके लिए ये फेयर है। और हमें खुशी है कि हमारा जो हर साल जो मेला बढ़ता जा रहा है, हर साल हमारी सेल बढ़ती जा रही है। महिलाओं में 3 साल पहले 5 साल पहले जो चीज़ें थी, हिचक थी दुकान लगाने की करने की, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, मतलब उनकी कैपेसिटी बिल्ट अप हो रही है। राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मनरेगा लेखा सहायक संघ राजस्थान का निशू आज मुख्य कार्यकारी एहलकार ने मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपो गयो। ज्ञापन में मनरेगा लेखा सहायक संघ राजस्थान का निशू नियमितीकरण और दूजी मांगा ने जोड़ो गयो है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी की मार्फत हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी कुछ संघ की मांगे हैं जो 2019 के बजट में 900 लेखा सहायक पदों की सरकार ने घोषणा करी थी, परंतु आज दिनांक तक विभाग के द्वारा इन पदों की भर्ती को लेके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कठपुतली कला राजरिया सू कलाकार आपरी कला कौशल रूप प्रदर्शन कर रहा है, साथ ही कठपुतली निर्माण सू बना आपरी रोजी रोटी भी चला रहा है। लकड़ी सू बनी आ कठपुतली देसी और विदेशी सैलानिया ने घनी चोखी लागे है। कोरोना काल में ये कलाकार भी आर्थिक संकट सू अछूता नहीं रहा। पेश एक रिपोर्ट। काठ यानी लकड़ी और लकड़ी से बनी पुतली यानी कठपुतली। कठपुतली को सांचे में ढालकर उस पर पेंट कर उसे विभिन्न कलरफुल कपड़ों से सजा धजा कर बनाया जाता है। जयपुर में कठपुतली नगर के विभिन्न परिवारों की महिलाएं और पुरुष इस कला के जरिए अपनी जीविका चला रहे हैं। महिलाएं भी पुरुषों के साथ घर के कार्य निपटा कर कठपुतली बनाने का कार्य करती है। क्या करते, घर का काम कर लेते, पुतली का काम कर लेते, शाम को खर्चे के लिए काम आदमी। मुझे हो गई 15 साल हो गए ऐसे करते, पहले जैसा धंधा है नहीं, अभी इसे चलता है। कभी 150 का काम कर लेते हैं, कभी 100 का कर लेते हैं, भाई कोई खर्चा चल जाए एक दिन का। कठपुतली का रोज़गार एक राजस्थानी शैली है, बहुत अच्छी शैली चलती आ रही है पहले से ही, और अभी लॉकडाउन के बाद के अंदर थोड़ा सा बहुत लोगों का इसके अंदर व्यापार से रुझान ख़त्म हो गया, क्योंकि उस वक्त कामकाज किसी के पास में भी नहीं था, आगे से भी बिल्कुल पूरे बाजार वजार सब बंद थे, इसलिए लोगों के दिल के अंदर ये हो गया कि क्या करें क्या नहीं करें। तो कुछ लोग ने अपने 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 धंधे बदल दिए हैं, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे वापस इसका मार्केट आने लगा है, तो हम लोग चाह रहे हैं बेचारे कारीगर भी वापस लग रहे हैं उसके अंदर, और कोशिश ये रहती है कि उसके अंदर कारीगरों को अच्छा प्रोत्साहन मिलकर उनको वापस उनकी जीविका चलती रहे। वर्तमान में कोरोना काल के दौरान जहां देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, वहीं कठपुतली कला में लगे परिवारों के सामने भी आर्थिक कठिनाई आई है, क्योंकि विभिन्न प्रदर्शनी के माध्यम से ये परिवार अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते थे, वो भी अभी नगण्य है। इस लकड़ी की पुतली को एक सांचे में ढालकर पहले इसका एक मास्क यानी फेस मास्क तैयार किया जाता है, फिर इसको रूप सजा यानी कि कलर से इसको रूप दे करके और फिर कपड़े पहना करके एक कठपुतली तैयार की जाती है। लेकिन इनको बनाने वाले हाथ कहाँ तक महफूज हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर, आइए उसी पे बात करते हैं। जी बताइए, कठपुतली आप कब से बना रहे हैं और किस किस मटेरियल को लेकर ये तैयार होती है? ये सर पहले सबसे पहले तो आडू की लकड़ी होती है, उसको लेके आते हैं आरा मशीन से, तो उसको अपने हिसाब के पीस बनवा के लेके आते हैं, तो उसको काटते हैं हम, फिर उसकी चेहरा बनाते हैं, नाक मुंह आँख, तो उसके बाद में फिर इसको धूप में रखते हैं, एक दिन तो धूप में रहता है, फिर ये थोड़ा सा ना हल्का सा ना गीलापन इसमें हट जाता है, उसके बाद में इस पे कलर आता है, जो कल जो एशियन पेंट है वो यूज़ करते हैं हम, ये जितने भी कलर हैं
ये ओल्ड वाला है ये सारा, जो जो कलर दुनिया में जो हर हर चीज़ में काम आता है वही कलर हम कठपुतली में यूज़ करते हैं। हमें सरकार से ये निवेदन है हमारी कठपुतली को, जैसे एडवर्टाइजिंग होता है तो हम पहले कठपुतली का शो फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते थे, भारतीय जीवन बीमा के बारे में स्टोरी के साथ में बताते थे कठपुतली का शो। अभी जितनी भी बीमारी चल रही है उसके बारे में हमें क्यों नहीं जनता को बताएं इस कठपुतली का शो दिखा के। जी बिल्कुल, सरकार से इनकी यही अपील है कि जो भी पैंडेमिक चल रहा है, चाहे वो कोरोना काल हो, लॉकडाउन हो और अन्य सरकारी योजनाएं, उन्हें कठपुतली के माध्यम से सरकार प्रचार प्रसार में काम मिले तो इन्हें भी एक आर्थिक संरक्षण मिले। दूरदर्शन समाचारों के लिए जयपुर से मैं अलीमुद्दीन। भारत और आर्मेनिया रा सदियां पुराना संबंध है। आर्मेनिया रा नागरिक खुद ने आर्यन सभ्यता से जोड़े है। लाला कुछ एक वर्षा सु आर्मेनिया और भारत रे बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी भी है, साथ ही कई मुद्दा माते भारत आर्मेनिया रो समर्थन भी करो है। हाल में ही आर्मेनियन रूस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आर्मेनिया री प्रोफेसर नायरा मकरचैन एक व्याख्यान में हिस्सों लेवा खातर जयपुर आई। भारत आर्मेनियन अजरबैजान समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माते माका संवाददाता मुरली लाल गुप्ता नायरा सु करी खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं नायरा मकरचैन जो आर्मेनियन रूस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मकिदरगोस आर्मेनिया में विभाग अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे कि भारत और आर्मेनिया के बीच में किस तरह की सिमिलरिटीज़ हैं, किस तरह की समानता हैं। आर्मेनिया के लोग मानते हैं कि उनके और भारत के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, उन पर हम बातचीत कर देंगे। मैम वेरी वेरी वेलकम, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द इंडिया एंड आर्मेनिया? First of all, I would say that Armenia and India both are ancient civilizations. About India, everybody knows, but unfortunately about Armenia, many, not so much people know. But Armenia has very ancient roots. And first of all, let's start from the name Armenia. We Armenians, we call ourselves Hai, and our country is called Hayastan, that means the country of Hais. But our neighboring countries, from time immemorial, they call us Armenia, Armenians, that means Armenia, Aryan means land. So we are Aryans, and all our neighbors, other countries, they knew about that, that we are Aryans. Ma'am, how people are reviving that relations in present day? Armenia-Indian relations. First of all, I would say that now many Indian students we have in Armenia who are studying in the medical universities, and 500 Indian students we have in our university, Mkhitar Ghosh, Armenian-Russian International University. They are studying in medical department, and I would say that really our students are very good. We have exchange programs between Armenia and India. There is a governmental program, educational and also cultural. So there is exchange of students and also exchange of cultural groups. They are coming to perform in Armenia and in India. So I would really love to make such a research group which will work in different archives of India to find out more traces of Armenians in India and more information, facts about Armenians who lived in India. Ma'am, the common people of Armenia, how would they react between relation between India and Armenia? The common people, what they think about it? Yes, so I would say that Armenians love India very much. Love Indian people. So in during Soviet time, the first Indian movie with Raj Kapoor, that Mr. 420. So everybody knows about this song, Mera Judai Japani. And the Indian ambassadors in Armenia, they were shocked when they were walking in the streets and people were starting to sing Mera Judai Japani. So this is the till now on the Armenian TV we have Indian serials. They are going on. They are dubbed on Armenian language. So people love India really. Ma'am, recently development Azerbaijan attack on Armenian subparts. How do you react?
let's remember what is Azerbaijan. It is an artificial formation which was formed in 1918 only. It is a little more than half 100 years history it has. It is like Pakistan artificial formation. But they are doing such a great propaganda that they are an ancient country, these old lands are theirs. So really we have to deal with this propaganda. Armenia is lacking this force that they must counter propaganda of this. Last question. Center for Civilization Study started a webinar where all the priests for all over world come under one umbrella and interact one to each other. How do you feel about that program? I would say that the program is very, very important, and the idea that is conducted with this center and Major Surendra Mathur invited me to participate in this program, and this is really very good idea because we come to know about each other, that in Europe, in Asia, there are countries which have Aryan roots. And it is very important to know about each other. Then there will be no wars, because how we can fight with brothers? Yes, like now it is done, Ukraine and Russia. They are brothers, but they were forced to fight, which is very unfortunate. एक ही अलग अलग देशों की जो सभ्यता हैं वो एक ही CCS के माध्यम से एक ही छत के नीचे इंटरेक्शन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी है। मौसम महकमा रसारू उत्तरादा अराथुना राजस्थान रा ज्यादातर जिला में तापमान सामान्य से 9 डिग्री 32 चाल रही है। मौसम महकमा रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि वायुमंडल रा ऊपरी स्तर माथे गुजरात रा आर सारे प्रति चक्रवाती तंत्र बनियो रियो है, जीरा प्रभाव रे चालता 1 और 2 अप्रैल ने तापमान माए हल्की घटोतरी हो बारी आज से जत ताई मौसम ऐड हुई बनियो रहे वेलो। और आखिर में खास खास खबर एक कर फेरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन माए दूजा नागरिक अलंकरण जलसा माए पद्म पुरस्कार कर्या प्रदान। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की दुबई यात्रा रो आज आखिरी दिन दुबई स्टूडियो सिटी रा दौरा समेत कई कार्यक्रम में आए कर शिरकत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोबनेर में हाईटेक एग्री एक्सपो रो कर उद्घाटन, कहो सरकार प्रदेश रा कास्तकारा रा कल्याण खातर कृत संकल्पित। राजस्थान थर्पणा दिवस रा मौका माथे राख्या जा रहा है साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में काल नवी दिल्ली में राख्यो गयो फागोत्सव। और प्रदेश में तेज गर्मी रो दौर जारी, मौसम महकमा रा सारू उत्तरादा और अथुना राजस्थान रा ज्यादातर जिला में तापमान चाल रही है सामान्य से 9 डिग्री 32। इन साथ ही संजय 5 बजे की खबर आठे पूरी हुई साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।